इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान पर महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। बड़ी खबर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अमरावती में बीजेपी दफ्तर में पोस्टर्स में आग लगा दी है। शिवसेना के कई दर्जन कार्यकर्ता अमरावती में बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे और वहां लगे पोस्टर्स पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में आग लगाने की घटना सामने आई, पोस्टर्स जलाए गए हैं और राणे के घर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस को इन शिवसैनिकों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। ये पोस्टर आप देख रहे हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह जहां पर बीजेपी के दफ्तर हैं वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने इस तरीके से हंगामा मचाया। अमरावती की तस्वीर आप देख रहे हैं, आप तस्वीर मुंबई की देख रहे हैं, पुणे की तस्वीर आप देखिए जहां पर मॉल के बाहर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, चेयर्स उठा उठा कर फेंकी गई। बीजेपी दफ्तर के बाहर नासिक में कैसे पत्थरबाजी की गई वो भी एक तस्वीर आप देखिए। जुहू स्थित जो पत्थरबाजी हुई है वो भी आपने देखी तस्वीर। हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जयप्रकाश, किन किन इलाकों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई है? देखिए मीनाक्षी, पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सातारा, रायगढ़, चिपलून, रत्नागिरी, हर जगह पर ऐसी क्लैश की खबरें आ रही हैं और मुंबई में तो ये क्लैश इस लेवल तक पहुंच गया कि नारायण राणे, जहां जुहू में मैं मौजूद हूं, जहां रहते हैं वहां पर शिवसेना की जो शाखा है, शिवसेना की ये शाखा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नारायण राणे के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से 500 से ज़्यादा शिवसैनिकों का एक जत्था अलग अलग ग्रुप बनाकर हाथों में झंडे लेकर, नारंगी भगवे रंग का ये जो झंडा है शिवसेना का, ये लेकर वहाँ नारायण राणे के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त वहां अंदर से पत्थरबाजी शुरू हो गई और यहां से भी बोतल फेंकने शुरू कर दिया और दोनों तरफ से इस कदर अफरा तफरी मची कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इस लाठी चार्ज में 2 पुलिस वालों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। 1 व्यक्ति को ज्यादा चोट लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन यहां पर अभी भी शिवसैनिक जो है यहां इकट्ठा हो रहे हैं। सुनील प्रभु शिवसेना के विधायक आए हैं यहां पर, इसके अलावा जो राजू पेडणेकर जो शिवसेना के उप विभाग प्रमुख है वो आए हैं। बेसिक कोर कमेटी जो है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।